पर बे कहीं गोली देनो जाने वोट राजस्थानी मांगो तो ठोक ठोक आपने कहो कि गुलाम बन जाओ थे। राजस्थान मोटियार परिषद के शिवदान सिंह जी हमारे पास में मौजूद हैं और इनका एक खास मुद्दा है जो कि हर राजस्थानी को टच करता है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप मारवाड़ी भाषा है, मायर भाषा है, इसके लिए आप ये क्या कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि ये जो भाषा है इसको एक अधिकृत दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, अगर 22-22 भाषा संविधान में है तो हमारी भाषा कहीं बिगाड़ी हुई है? हमारी भाषा तो गांव गली गुआड़ में बोलने वाली भाषा है, तो हमारे को हिंसा का बोध क्यों कराया जा रहा है? मान क्यों कहो कि थे अंग्रेजी पढ़ो? गांधी जी तो मूल रूप से मातृभाषा का पैरोकार रहा और थे कहो कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और सरकार यूं भूडो कहीं हो सके? आ बात है। दूसरी बात आ है कि झारखंड में 18 भाषाओं जकी है वे द्वितीय राजभाषा बनाई रही है। राजस्थानी ने आप राजभाषा नहीं बना रहे हो राजस्थान रही और 18 टावर साथ जो कुठाराघात कर रहा हो वे रोजगी में पिछड़ रहा है। वे IAS कौन बन सके? वे मास्टरी कौन ला सके? वे चपड़ासी कौन ला सके? तो इन वास्ते संघर्ष कर रहा। ये संघर्ष है काफी समय से चल रहा है। और दूसरा देखा जाता है कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, मैं खुद भी राजस्थानी समझ लेता हूं मगर मैं बोल नहीं पाता और मेरा बोलने का मन करता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? माफ कर जो माँ भाषा में बोलता जिनने आवे लाज अशा कपूता सुसु दुखी आखो देश समाज। आपा माँ बाबा भाई जका बात करा तो टपा टप राजस्थानी बोला, पर आप ही तीन तीन पीढ़िया ने काट दियो। आपने दाता से क्या बोलता है? मैं राजस्थानी बोलता। आपने बड़ा फादर जी का पिताजी को मैं भी राजस्थानी बोलता, पर आपने टापर या पोता ने को तो भी नहीं यूं लागे कि अरे ये तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, मरता अंग्रेजी बोलनी चाहिए। और ठोक ठोक वो कहो लाड मिकाले कहें कि शिक्षा पद्धति तो ठोक ठोक आपने कहो कि गुलाम बन जाओ थे। और बिना कहो भी है कोई आदमी की भाषा खींच लो खोस लो तो वो सब बड़ो गुलाम है। अपनी संस्कृति खोस ली G20 में, आप राजस्थानी संस्कृति दिखाओ। राहुल गांधी जी आओ तो आप राजस्थानी संस्कृति दिखाओ और आप बात राजस्थानी करो, राजस्थानी का किला महल दिखाया करो और पचा आपको कि कुर्सी राजस्थानी वोट राजस्थानी मांगो। आजाद होने के बाद में यहाँ के जो स्कूल हैं, जिन स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ आप भी उन स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, स्कूलों के अंदर तो हिंदी बोलने के ऊपर भी इतना ज्यादा डाटा टोका जाता है। बड़े स्कूल होते हैं वहाँ फाइन लगा देते हैं इंग्लिश में बात करो। तो ये जो है सिस्टम तो ये बिठाया गया है यहाँ पे, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानोगे? या जो कांग्रेस की सरकार है उसको जिम्मेदार मानोगे या फिर आप किसी और चीज को मानोगे? नहीं नहीं, यहाँ सीधी बात है, टप देर कह दूं मैं तो, और वास्ते शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है और कांग्रेस ही जिम्मेदार है। 1956 तक तो आठ हमारे राजस्थानी चलती जा रियासत रही भाषा ही, 56 में एक प्रस्ताव ला आप खोस ली और वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में आप हिंदी ठोक दी और फिर राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन कह जावे कि 2-4 साल में आपकी भाषा को मान्यता दे देंगे, बेहाल दिन तक कौन ही दी? तो भाई इस वास्ते तो सीधो सीधो रूप जिम्मेदार कांग्रेस है। प्रकाश जायसवाल जी 2006 में सदन में कहे, जब 2003 में उठू प्रस्ताव सदन में जावे कि इन्हें शेड्यूल 8 में लो, तो 2006 में प्रकाश जायसवाल जी मैं आठ ही हो जयपुर में और मैं कह दिया थोड़े दिन में सरकार इसको राजभाषा बना देगी, शेड्यूल 8 में ले लेगी। 2014 तक कांग्रेस और राज हो, क्यों नहीं करी हुई इन्हें राजभाषा क्यों नहीं बनाई, शेड्यूल 8 में क्यों नहीं ली? यहाँ पर इतने दर्जनों की संख्या के अंदर नए जिले बना दिए, लोग तो ये कह रहे हैं कि किसी के 4 प्लाट है उसका भी जिला बनवा लो, तो मतलब काम करना। पहले तो ये मानते थे कि जिला बनाना इतना मुश्किल है, उसी तरीके से राजस्थानी भाषा और इतने सारे बोर्ड बन रहे हैं, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं 4 बोर्ड और बन जाते हैं। ये बोर्ड बनने में परेशानी क्या है? ये गहलोत जो है या इनके पहले थी, उनको इसमें समस्या क्या लगती है आपको? देखो सीधो सीधो फिर अब कोई नाराज हो जाओला, एक बात तो नाराज हो तो होता रही जो, क्योंकि बे लोग जो राजस्थान रही धरती रहा नहीं है, इनमें वसुंधरा जी भी अठेरा जलमिया जाया नहीं है और सचिन पायलट भी अठेरा जलमिया जाया नहीं है। मैं राजनीतिकरण खातिर तो अठेरे हक मांगे कि गहलोत ने क्या करा वो तो बताओ। गहलोत जी करियो जो उदयपुर वाटी में राजेंद्र घुड़ा कहो 4 दिन पहले, वो बिनो चरित्र है गहलोत जी रो। गहलोत जी ने तो मैं कागज दिया, दिया मैं तारीफ करना चाहूँ प्रीति गजेंद्र सिंह जी शेखावत रो शक्तावत रो, मैं कागज दिया माने क्यों कि साहब अगर झारखंड में 18 भाषा है तो यहाँ बना दो। मैं तारीफ करना चाहूँ जोगेश्वर गर्ग बिहारी बिश्नोई राजेंद्र राठौड़ जो सदन में प्रमुखता बात राखी, पर बे कहीं गोली देनो जाने बे राजनीति नहीं माने तो हो कि सत्ता पे क्या बैठना है। ये जो राजेंद्र जी राठौड़ है या और बाकी जितना की भी आपने नाम गिनाए हैं, इनको भी तो राजस्थानी आती है, ये भी तो राजस्थानी का मुद्दा बना सकते थे, कोई मुद्दा बनाता क्यों नहीं है? राजेंद्र राठौड़ तो अबार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले रहा है पिछले हाउस में जगह बजट सत्र भी में, बिहारी जी भी पॉइंट ऑफ एक्शन ले रहा है, व्यू पहली जोगेश्वर जी गर्ग बोलिया
कई नाम है सतीश जी पूनिया बोलिया, सीपी जोशी बोलिया बैठे लोकसभा में, कई लोग बोलिया, यू नहीं रिया कुमारी जी प्रेशर तो कोई नहीं बना रहा ना, प्रेशर बनाने के पीछे आ जाए तो काम ही हो जाए। प्रेशर तो कहीं है, राजनीति सौदेबाजी होगी। अच्छा आपका कहने का मतलब ये है क्योंकि वसुंधरा जी यहाँ पर है वो राजस्थान के हैं नहीं, माने इंटरेस्ट ही कोनी, मारो इंटरेस्ट ही कोनी, माने लागे कि मारो जो को बेल्ट है अलवर भरपूर धौलपुर वालो ए मारे 20-25 तो है तो मारे लारे राजस्थानी कर जाओ। पर अशोक जी तो अशोक जी है, मैं तो जादूगरी कह रही हाँ अशोक जी ने चाहिए कि अगर आपने राजरो भलो करना है और 8 करोड़ जनता रो भलो करना है तो राजस्थानी ने राजभाषा बढ़ानी, पीसो लागे टप्पो, एक रुपयो खर्च नहीं करना, एक साइन नहीं करना है, अरे एक रुपयो खर्च नहीं करना, साइन बोर्ड राजस्थानी वेला, मारी सिनेमा राजस्थानी वेला, मारे संस्कृति कर्म जो सारो राजस्थानी वेला, ऐसी सारी चीज आपकी भाषा से तो आप है ना भाजपाई से नजर आ रहे हो, मगर अशोक गहलोत ने अगर ये काम पूरा कर दिया जाते जाते ही कर दिया तो समर्थन है उनको। मैं अशोक जी की तारीफ करूँ ई मंच छू की 25 अगस्त 2003 में अनअपोज और पूरा सदन प्रस्ताव केंद्र में भेजियो और अशोक जी 5 साल से माने गोली दे रिया और मैं बीडी कल्ला जी गोली दे रिया, मैं भरमावे जनता ने। तो देखिए यहाँ पर एक राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल सेट है और इसके अंदर वसुंधरा राजे के लिए भी सेट है और अशोक गहलोत के लिए भी सेट है और आपको भी ये देखना है राजस्थान के हैं तो ये मुद्दा आपको कितना टच करता है, अपने नेताओं से आप बात करिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए क्योंकि मातृभाषा तो मातृभाषा होती है, हिंदी से पहले तो मारवाड़ी होती है। धन्यवाद।